गाड़ी स्टार्ट करते ही डिस्प्ले ऊपर आ जाता है, एज द नेम सजेस्ट, हेड अप डिस्प्ले। सिर्फ 50,000 का डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल में। इसमें लैंप भी है। ओ भाई देख रहे हो, पहले 2 एयरबैग आते थे, कंपनी ने 6 एयरबैग दिए गाड़ी में। 6 एयरबैग। देखो ऐसा है, सब घर जैसा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजी शर्मा। आई होप आप सब अच्छे स्वस्थ और हेल्दी हैं। सो वी आर बैक विद अनदर कार का रिव्यू बोलूं या वॉक थ्रू बोलूं, आई डोंट नो, क्योंकि ये है ब्रांड न्यू 2022 एडिशन बलेनो। पवन जी कैसे आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बस प्लस एकदम बढ़िया। तो पवन जी यहाँ के एक्सपर्ट कह लीजिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एक बंदे हैं वो कह लीजिए। पवन जी, जो नेक्सन ने तरीन चीज जो निकाली है, बलेनो तोड़, जिसको कहते हैं तोड़, इसका मार्केट में नाम तोड़ दिया। उसका मार्केट में नाम तोड़ क्यों दिया है, इसका प्राइस क्या है और पुरानी वाली से क्या वेरी करते हैं, इसके वेरिएंट्स में क्या क्या चेंजेस है वो आपको धीरे धीरे बताते हैं, है ना भाई। उसके लिए अभी से पवन जी ऑडियंस को बोल दो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ये हम आए हैं नेक्सा के शोरूम वजीरपुर रोड गोकुलपुरी। अगर मैं यहाँ फ्रंट से देखूं, फ्रंट की बात करूं, तो क्या अलग है या क्या चीज मुझे पुरानी बलेनो के डिफरेंट में दिखी? तो क्या फ्रंट से अगर हम आप देखते हैं इसमें, तो फेसलिफ्ट दे दिया है इसमें कंपनी ने, ठीक है। DRL में क्यूबिक DRL है, जो कि अपने आप में काफी ब्राइट लुक और काफी अट्रैक्टिव लगती है। एग्जैक्टली। ग्रिल काफी अच्छी दी है इसमें, जो कि यू मोटी ग्रिल है, काफी पुरानी बलेनो में नहीं है। हाँ, वो इतना अट्रैक्टिव लुक नहीं आता है इसका। फॉगलाइट कंपनी ने इस बार आपको LED दी है इसमें, जो कि लास्ट बलेनो में हैलोजन लाइट। हैलोजन लाइट, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें एलईडी है, इसमें एलईडी फॉगलाइट्स है पुरानी बलेनो में तो नहीं है। नहीं, यहाँ तक बलेनो में नहीं है ना। क्या एंड ऑल्सो इसमें 360 डिग्री कैमरा है जी, है ना। तो फ्रंट में कैमरा क्या है सर? फ्रंट का कैमरा आपको, ओके गाइस, आगे कैमरा यहाँ है। कंपनी का जो लोगो है, स्माइली लोगो, वो पहले के अकॉर्डिंग काफी बड़ा है, पहले काफी छोटा आता था। तो आगे का सुजुकी का जो लोगो है, ये आगे से कंपैरेटिवली पहले के थोड़ा बड़ा है। गाइस, फ्रंट के बाद हम इसके साइड व्यू के बारे में बात करते हैं। आओ 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 आओ, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी नजर जाती है ना, अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनल, सबसे पहली नजर मेरी इसकी अलॉय पे जाती है। कंप्लीटली डिफरेंट अलॉय, बहुत साइड में स्मार्ट बटन एंट्री है। बाकी आपको इसमें यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं। ये क्रोम पहले नहीं आती थी, तो ये एक्स्ट्रा है पुरानी के हिसाब से, है ना। सही, तो इस वजह से जो पूरा ब्रैकेट बन जाता है, ये एक्सटेंडेड और ओवरऑल में पिलर कंप्लीट नजर आता है ना जी। बैक बताइए मुझे, इसके बैक में क्या चेंजेस और क्या डिफरेंस लेके आए नेक्सा? ऑलमोस्ट आपको सेम चेंज मिलती है गाड़ी की, ठीक है। साथ में जो टेल लाइट्स है वो काफी अट्रैक्टिव है अकॉर्डिंग टू लास्ट बलेनो। अच्छा, तो पुरानी वाली बलेनो में आप कह रहे हैं ये इस डिजाइन और इस अट्रैक्टिवनेस में नहीं आती थी, एंड डिग्गी पे भी आपको लाइट नहीं मिलती थी। राइट राइट राइट, पुरानी में डिग्गी में लाइट नहीं थी, तो ये भी एक एक्सटेंडेड लाइट इन्होंने आगे दे दी है। एंड क्यूबिक आपको इसमें लाइट मिलती है आगे वाले के कंपैरेटिवली, पीछे सिंबल थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। एग्जैक्टली। एंड ये रियर कैमरा आपको मिलता है इसमें? रियर कैमरा गाइस यहाँ पे है इसके,
मुझे गाड़ी चलाए हुए 4 महीने हुए हैं, 4-5 महीने से ही मैंने स्टार्ट किया सीखी, तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा फीचर है कि मतलब देख लो इस साइड भी कौन है, इस साइड कौन है, पीछे कोई ठेले वाला तो नहीं है, आगे कोई रेडी वाला तो नहीं है, तो ये सारी चीज भी अच्छी है। ठीक है, पीछे से काफी चेंज किया है कंपनी ने। एंड अगर पार्किंग सेंसर्स की बात करते हैं तो वो भी थोड़ा ब्राइट लुक और अट्रैक्टिव लुक में दिया है कंपनी ने। मतलब कंपनी चीख चीख के कह रही है नई वाली ले लो, लेनी ही पड़ेगी क्योंकि तोड़ है ना। बिल्कुल। एंड ऑल्सो एज यूजुअल जैसे पुरानी बलेनो में थी, पीछे एक वाइपर दिया गया है, वाइपर से आ गया। पवन जी जी, अंदर की बूट स्पेस के बारे में बता दो। चले ओपन जी भाई। बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं, काफी अच्छा बूट स्पेस है, बट अकॉर्डिंग टू लास्ट बलेनो अगर हम कंपेयर करते हैं तो 19 लीटर बूट स्पेस कंपनी ने कम किया है। कम किया? ज्यादा कम नहीं है वो, गाड़ी के डायमेंशन और गाड़ी के वेट को देखते हुए थोड़ा सा वो एडजस्ट करने वाली बात है, अदरवाइज अपने आप में बूट स्पेस काफी अच्छा है इसका। गाइस आप लोगों को याद हो मेरा चैनल आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, तो जो हमने इग्निस ईवी इन सब की रिव्यू की थी, तो डिग्गी में बैठ बैठ के चेक किया था ना, तो क्या कहते हैं इसमें भी बैठ जाओगे। मारुति की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमने इग्निस में भी ट्राई किया गाइस, देखा कि बूट स्पेस कसम से वाकई बहुत ज्यादा है। अगर आपकी वाइफ आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हो, या आप खुद जिम फ्रीक हो जो डिग्गी में यू नो भर भर के सामान रखना चाहते हो हमारे भाई कार्तिक की तरह, जो कि जिम रैकेट सब कुछ रखता है, उसके लिए बेस्ट गाड़ी है ये। एक बार बैठ के भी देखा जाए। आपको बैठ के चलना है क्या इसमें? पता नहीं मुझे हर गाड़ी में बैठने का मन, मुझे यही नहीं समझ आता आपको डिग्गी में क्यों बैठते हो। हर गाड़ी में मैं पीछे चेक करता हूँ, अगर मैं अपनी फ्यूचर गाड़ी में लूंगा ना कोई पवन जी, उसकी टिक्की में जरूर रखूं। चल बाहर को बंद कर दे, ऐसा लगता है। कर दे बाहर को, इसमें भी आए गए देखो ऐसा है सब घर जैसा है। चलो चलो भाई खोलना नहीं। 5 सीटर कह सकते हैं इसको? 6। ये 6 सीटर है सर, यहाँ भी एक बंदा या बच्चा बैठा दो, 6 सीटर है। बच्चे तो नहीं हो आप। तो गाइस एक्सटीरियर की बात हमारी हो गई, अब इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं, क्योंकि इसकी मेरे हिसाब से जान बान शान इसका इंटीरियर है, तो इंटीरियर के बारे में जानते हैं, उसके साथ साथ इसका क्या प्राइस है, क्या माइलेज देती है वगैरह वगैरह के बारे में बात करते हैं आगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसको ऑन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ही बात करते हैं इसके इतने सारे कंट्रोल्स के बारे में। इसमें पहले की तरह पावर विंडो चारों आपको मिलती है, ड्राइवर में ऑटो अप एंड ऑटो डाउन आपको ऑप्शन मिलता है, डोर सेंटर लॉकिंग सभी की तरह, हाँ बिल्कुल, फोल्डेबल मिरर एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर आपको इसमें मिल रहा है, साथ ही पियानो फिनिश आपको कंपनी इसमें देती है। ओके, तो ये पियानो फिनिश है? हाँ बिल्कुल, सच में इतनी रॉयल और ग्लॉसी फील दिला रही है ना मुझे ये। एंड आपको हैंड रेस्ट के लिए यहाँ पे लेदराइट फील मिलता है, जो कि टच एंड सॉफ्ट काफी बेहतरीन है। कसम से गाइस, मतलब आपको वीडियो में तो नहीं समझ आएगा ये पॉइंट, लेकिन जब मैं इसको टच कर रहा हूँ इसकी जो फील इतनी रॉयल है, इतनी क्लासी है ना, एंड सेम आई गेस ये मटेरियल सेम यहाँ पे लगाया गया है। डेफिनेटली बॉटल्स के लिए भी काफी बड़ा इसमें ऑप्शन दे रखा है कि एक बोतल इजीली आप कैरी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर या कोई भी डायरी आप इजीली रख सकते हैं, यहाँ कैरी कर सकते हैं। गाइस अब अंदर बैठते हैं और ओ माय डियर गॉड, पवन जी शांति फील हो रही है। बिल्कुल, बात कितना आवाज थी, नॉइस थी गाइस, आप लोगों को भी शांति फील हो रही होगी इस समय। तो इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में आई गेस राइट से ही शुरू करते हैं। ओहो, मेरा स्पेशल फीचर है पवन जी, एचयूडी। ये मैंने मोस्टली बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे मर्सिडीज हो गई, अपनी बड़ी बड़ी एक्सयूवीज हो गई, उनमें देखे आए ये फीचर, लेकिन बलेनो लेके आए भाई, नेक्सा लेके आए ये फीचर एचयूडी, हमारी पहली गाड़ी में और अपने सेगमेंट में सबसे पहली कार है जिसमें एचयूडी डिस्प्ले आपको मिलता है। तो बाकी गाड़ियों की तरह इसमें भी स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, तो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करते ही ये डिस्प्ले ऊपर आ जाता है, एज द नेम सजेस्ट, हेड अप डिस्प्ले, एचयूडी इन शॉर्ट। तो ये जो कंट्रोल है, इससे हम इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले को थोड़ा राइट से देखूं या थोड़ा लेफ्ट से देखूं तो नहीं दिखेगा, अंटिल एंड अनटिल सेंटर में ना हो तभी इसके अंदर आपको चीजें दिखेंगी जो कि एमआईडी में दे रखी है। इसमें आपको स्पीड, आरपीएम, फ्यूल एवरेज वो सब आपको इसमें शो होगा, वो सब इसमें शो होगा। एंड अगर इस कंट्रोल्स के बारे में बात की जाए, तो ये जो अप डाउन के बटन्स हैं, ये इसकी जो आप ये इमेज देख रहे हो, इसकी एडजस्टमेंट करते होंगे, ये ऊपर कर लिया जैसे बंदे की हाइट के हिसाब से, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं ना जी। इसमें स्टीयरिंग जो है लोग इसका चेंज करा है कंपनी ने इस बार, जैसे कि आपको एक्सएल 6 में मिलता है नेक्सा की गाड़ी में, सेम आपको स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल रहा है, वी शेप जो कंपनी कहती है, राइट राइट राइट। साथ में क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है, ओके, जो कि पहले नहीं आता था इसमें, मतलब पिछली वाली बलेनो में नहीं आता था, बलेनो में नहीं आता था, अभी अपकमिंग में आपका ये यहाँ पे पूरा क्रूज कंट्रोल सिस्टम इन्होंने दे रखा है। बटन्स भी चेंज किए हैं पहले के अकॉर्डिंग, एसी के मोड्स भी आपको इसमें चेंज मिलते हैं, एसी सेम एज इट इज आपको ऑटो क्लाइमेट मिलता है,
इस तरीके से आप इसको पुश करके टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं, फैन की स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो काफी अट्रैक्टिव लुक दे रखा है पहले के अकॉर्डिंग। और इसके इंफोटेनमेंट आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 इंच का है, 9 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है जिसको की स्मार्ट प्ले प्रो कंपनी इसको कहती है। क्यों? पहले जो कंपनी इसमें देती थी वो स्मार्ट प्ले स्टूडियो देती थी। ओके। अब इसमें जो आता है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम कंपनी ने दिया है जिसमें कि 9 इंच डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है। ये आपको 360 डिग्री कैमरा इसमें मिल रहा है, तो ये रिवर्स करने पे ही कैमरा एक्टिवेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ रियर का देखना है, साइड का व्यू आपको देखना है। ये अंकल निकले, यही तो दिक्कत होती है मेन हमारे जैसे लोगों के लिए। पवन जी जी, साइड में कोई अंकल जा रहे हैं, आंटी जा रही है, समझ ही नहीं आता, इतने में ठुक जाती है गाड़ी। जी जी, तो ये एक बेस्ट फीचर है गाइस जो मुझे लग रहा है। तो आप भी अगर ये फीचर चाहते हो तो मेरी मानो अरे गाड़ी ले लो। प्राइस भी कंपनी ने पहले के अकॉर्डिंग कम रखा है, पहले अराउंड 1,20,000 का डिफरेंस रहता था सीवीटी में, तो अब एजीएस में कंपनी ने ओनली 50,000 का डिफरेंस रखा है इन मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो 50,000 का डिफरेंस है दोनों में, 50,000 में आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा भाई साहब। क्योंकि इन दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरिया में 50,000 पे नोटा कुछ भी नहीं आएगा, इजीली कंफर्ट ड्राइव हो जाता है आपको। तो उसके फाइनल प्राइस के बारे में आते हैं, रुको आते हैं, थोड़ी सस्पेंस बनाओ, आते हैं। बात करते हैं अंदर का म्यूजिक सिस्टम की। तो ऑल 4 डोर स्पीकर्स के साथ में आपको फ्रंट में 2 ट्विटर्स मिलते हैं। ओके। जो कि पहले भी कंपनी देती थी, बट हाँ जी, अब जो इसमें साउंड मिल रहा है वो आर्किमिस का मिल रहा है जो कि अपने आप में एक ब्रांड है। ओके। बहुत अच्छा साउंड मिलता है आपको इसमें, एक बार अभी हम देखेंगे अभी ब्लूटूथ कनेक्ट करके। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ भी बेस ट्यूब या एडिशनल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें साउंड बहुत बेहतरीन मिलता है। तो जो ट्विटर्स लगाए हैं ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में है या जेटा एंड अल्फा आपको दोनों में मिलता है? जेटा और अल्फा दोनों में मिलता है। आर्मरेस्ट जैसे कि पहले भी आता था गाड़ी में, जेटा में भी आता था, अल्फा में भी आता था, बट अब जो कंपनी ने आर्मरेस्ट दिया इसमें वो स्लाइडेबल दिया है। ओके। जो पहले थोड़ा सा इशू रहता था कि अगर थोड़ा ड्राइवर की अगर हाइट कम है तो वो ड्राइव सीट आगे करके चलाते थे तो हाथ इजिली इस पे आता नहीं था। Right. अब आप इसको मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर कन्वीनियंट, अपनी हाइट के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको स्लाइड कर सकते हो, सेट कर सकते हैं। भाई वाह, ये तो बहुत प्यारा है। एमेनिटीज आपको इसमें मिलता है जैसे पुरानियों में थी, पर्स वगैरह कुछ भी आप इसमें कैरी कर सकते हैं। राइट। एंड इसमें नॉर्मल आर एन डी और मैनुअल के दो मोड्स आते होंगे। राइट। फ्रंट क्लस्टर की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने काफी अट्रैक्टिव लुक दिया है इसमें। ये पियानो फिनिश आपको मिल जाता है इसमें, सेम साइड आपको मिल जाता है, हाँ, जैसे आपको डोर्स पे मिल रहा है। और अगर फ्रंट से देखे तो काफी मतलब एक एम्बियंस सा लगता है गाड़ी में, मतलब आपको एक रॉयल फील आती है, क्लासी फील आती है बलेनो नेक्सा जैसी गाड़ी में। पवन जी, इसके एवरेज के बारे में बात करूं तो ये गाड़ी अभी तक जितनी भी प्रैक्टिकली अचीव्ड एवरेज है कितनी होगी इस गाड़ी की? सर देखिए, अगर मैनुअल की हम बात करते हैं तो ये कस्टमर टेस्टेड है कि लोकल में दिल्ली जैसे एरिया में आपको 16-17 इजिली कस्टमर क्लेम करते हैं जो कि मिल जाता है। हाईवे की बात करते हैं तो 22-23 तो इजिली आराम से मिल जाता है। बिल्कुल। ओके। और इस गाड़ी का इंजन कितना है सीसी? 1.2 लीटर इंजन आपको इसमें मिलता है, 1200 सीसी। सही, मतलब सिटी में 17-18 तो मिल जाता है, मिल जाएगा। और सेफ्टी की बात करते हैं तो कंपनी ने इसमें पहले 2 एयरबैग आते थे, कंपनी ने 6 एयरबैग दिए गाड़ी में। 6 एयरबैग? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं, ये पॉइंट तो मेरा दिल ले गया गाइस। 6 एयरबैग मेरी गाड़ी में 2 है सिर्फ। क्या बात, कहाँ कहाँ है एक बार बताएंगे मुझे? फ्रंट में 2 है एंड साइड कर्टेंस पे आपको एयरबैग मिलते हैं। ओके, 4 साइड कर्टेंस में। ये गाड़ी आप कह सकते हैं रॉन्ग नेक्सॉन या महिंद्रा की गाड़ी है जो कि अभी तक सबसे सेफेस्ट कही गई है, तो उनको टक्कर दे रही है गाड़ी, है ना, सेफ्टी के मामले में। सेफ्टी के मामले में पहले जैसे कई कमेंट्स आते थे कि गाड़ी का लाइट वेट है, बॉडी काफी हल्की है, तो कंपनी ने इसको 70 kg वेट भी इंक्रीज किया है। गाड़ी की बॉडी भी तो मेटल भी मजबूत है और सेफ्टी में आपको एयरबैग भी मिल रहा है, तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल, आप देखेंगे तो इसमें आपको थाई सपोर्ट और बैक सपोर्ट पहले के अकॉर्डिंग काफी एग्जैक्टली exactly. इसको पवन जी क्या कहते हैं, बकेट सिटिंग। तो गाइस इसे कहते हैं बकेट सिटिंग, मतलब आपके थाई सपोर्ट के लिए भी, आपके शोल्डर सपोर्ट के लिए भी एकदम आरामदायक सीट बनाई गई है। गाइस पीछे वालों की अगर खुशी के बारे में बात करें, ये बंदा इतना ज्यादा खुश है, तो पीछे कितनी ज्यादा लेग स्पेस है और कितना कंफर्टेबल है, तो 3 बंदे आराम से पीछे बैठे हैं, मतलब ऐसा कोई हॉच पॉच भी नहीं है। पीछे रेयर एसी वेंट्स भी है एंड सीट टाइप का चार्जिंग केबल मिल रहा है। ये तो नॉर्मल यूएसबी है और भाई डायरेक्ट सी टाइप भी लगती है। डायरेक्ट सी टाइप भी लगती है। इसके अंदर भी एक मैजिक है। आपको लैंप दिया है इसमें? इसमें लैंप दी है। ओ भाई देख रहे हो, ये तो मैंने कहीं नहीं देखी आज तक लाइफ में। अब मतलब नॉर्मली यहाँ पे शीशा मिलता है, बाल बाल सेट करना जाओ और देखो जादू, मतलब आपको लाइट भी दे रखी है। ये मैम के लिए है ना? ये
पवन जी पास मैम ही नहीं मिल रही ना। तो पवन जी आगे बढ़ने से पहले ना, प्राइस जानने से पहले मुझे एक चीज और चेक करनी है प्लीज। इस गाड़ी का स्पीकर, इसका क्या म्यूजिक क्या है, एक बार सुनाइए मुझे। तो ना मजेदार सिस्टम है, काउंट नहीं कर पाएंगे कि कितने फीचर्स हमने इसमें कसम से, मतलब हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन इसके फीचर्स खत्म नहीं होंगे। तो गाइस अब ये जो पूरा शोरूम है इनकी आन बान और शान से मिलवाते हैं नीरज जी से। नीरज जी पहले तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने हमें अलाउ किया। हम है गाइस इस समय मैं ऑफिस बता रहा हूँ विपुल मोटर्स में, गोकुलपुरी में है ये नेक्सा का शोरूम और वहाँ के सर आन बान शान में मैनेजर है। सर पहले तो आपकी चाबी, इतनी बेहतरीन गाड़ी जो बनाई है ना नेक्सा वालों ने, मारुति वालों ने, अगर मैं आपसे पूछूं इसके टॉप 5 फीचर्स आपके हिसाब से रीकैप करेगा। अगर मैं इसकी हाई फाइव बताऊं आपको तो जो ये आप डीआरएस देख रहे हैं ये लाइट, ये पहली बार इस समय आया हुआ है और मैं चाहूंगा कि पवन इसको आप ऑन करके दिखाए बीच वहां से। जब आप नीचे देखते हैं तो ये बोल्ड लुक जो आपका ये क्रोम आ रहा है जी, और जो आप सामने बोनट देख रहे हो जी, ये गाड़ी को इतना स्टाइलिश बनाता है, इतना बढ़िया बनाता है कि आपको खुद को लगता है कि हाँ फील आता है जब आप अंदर से कनेक्ट होते हैं कार के साथ, तो आपको लगता है कि हाँ भाई नहीं वी शुड गो फॉर विद दिस कार। आप यहाँ लाइट जलते हुए देखिए, राइट आई वुड से मोर यूथ फ्रेंडली लगता है, जैसे यूथ आइकॉनिक गाड़ी है ना। अगर हम पहले बलिनों के कंपेयर में अगर हम जाए पुराने बलिनों के कंपेयर में, तो मारुति जी ने इसका वेट बढ़ाया है। वेट बढ़ाने के साथ साथ जो 9 इंच का, अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं ये 9 इंच का अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है, नया फीचर्स मैं आपको करके दिखाऊं तो जो आपका डिस्प्ले है वो आपको ये पहली बार देखिए आप, ये जब हमारा सारा डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आ जाता है, एक यूनिक फीचर्स, एक मिडिल क्लास जब हम गाड़ी में बैठते हैं हमें पता लगता है हमारे कार में सारा फीचर्स दिखता है, एक एक चीज इसको इतना बढ़िया बनाता है, इतना साउंड बनाता है कि मैं आप अगर स्टेरिंग व्हील की बात करें हाँ। इतना स्मूथ और इतना बढ़िया ऐसा लगता है मैं प्रीमियम फील आता है। गाड़ी में लंबर सपोर्ट की बात करें जो पीछे हम बैठते हैं, आप एक बार बैठ के 500 किलोमीटर की कार चलाते हैं मुझे नहीं लगता कि आप थकेंगे इस गाड़ी में। ये 360 डिग्री में देखिए आप गेट खुलता है, कोई ऐसी गाड़ी इग्निस हमारी आती है 360 डिग्री में खुलती है, लेकिन आप कोई भी ऐसी गाड़ी है जो इस तरह से दरवाजे नहीं खोलते, ये छोटी छोटी चीजें कार को इतना बोल्ड और इतना बढ़िया बनाता है। एक तरीके से नीरज जी ये तोड़ गाड़ी है, तोड़ गाड़ी। अब सबसे मेन पॉइंट जो मेरे जितने भी दोस्त लोग भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि ये गाड़ी कितने की है, ऑन रोड क्या प्राइस है। देखिए ये गाड़ी 7,36,000 से शुरू होती है और जाकर 10,35,000 के करीब खत्म होती है मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक में भी हमारे पास इस समय इंजन में बहुत अच्छा वेरिएंट अवेलेबल है, बट मैं यही चाहूंगा कि आपके थ्रू जो भी कस्टमर आते हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, तो आप एडवाइस कीजिए हमारे शोरूम तक आए और हम उनको इतना अच्छा सर्विस दें कि वो कहें वाह क्या बात है। गाइस ये तो मतलब मेरा दिल, नीरज जी थैंक यू सो मच, ये तो इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद ये गाड़ी लेने का मन बना रहे हो तो इस शोरूम में आइए, मेरा नाम लीजिए गुनीत शर्मा, बताइए ये वीडियो देखने के बाद हमने मन बनाया गाड़ी लेने के लिए। नीरज जी ने अभी प्रॉमिस किया है कि वो बेस्ट सर्विस और जितना अच्छा हो सके डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट जो बेस्ट हो सके एग्जैक्टली, मतलब हम सर्विस अच्छा जरूर देंगे आपको और अच्छा रहेगा और आप आइए हम नाराज नहीं करेंगे। भाई भाई गाइस यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस गाड़ी का जो कि ऑटोमेटिक कार है टॉप वेरिएंट, तो इसका प्राइस क्या आपने बताया? 1094 पड़ता है ऑटोमेटिक। ऑन रोड बात करें जिसमें 5 साल की वारंटी, बहुत सारे एक्सेसरीज इनिशियल होते हैं वो आपको सारा लगा के देते हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि एक बार आप आए कार को फील करें। मैं आपको कार बेचना नहीं चाहता, मैं आपसे रिलेशन बनाना चाहता हूं, तो जो भी आप देख रहे हैं कार बेचना दैट इज डिफरेंट थिंग, और इसको समझकर इसको अपने आप से कनेक्ट करके कार को ले जाना दैट इज टोटली डिफरेंट। और आपका चैनल जो भी सब्सक्राइब करेगा 100% हम उसके लिए कुछ ना कुछ करें। अरे वाह गाइस, सुलिया सर ने कितनी बड़ी एक और बात कह दी है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। इसी बात पे नीरज जी एक टेस्ट ड्राइव होता है इस गाड़ी की, आइए गाइस एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और इसकी जो स्पीडोमीटर हमने 0 पे देखी थी ना वो एचयूवी में, उसमें देखते हैं कहां तक कांटा भाग सकता है। चले करते पंजा दबाने। ओ भाई साहब, इग्निस के अलावा कोई और गाड़ी चला के इतना अच्छा लग रहा है ना। एंड गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना ज्यादा स्मूथ इसका स्टेयरिंग है भाई, ये तो पंख जैसा लग रहा है स्टेयरिंग इसका,
मतलब इतना ज्यादा लाइट, इतना ज्यादा। बकेट सीट के बारे में बात कर रहे थे ना, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, मेरे बट्स के अराउंड, शोल्डर्स के अराउंड इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। गाइस आज ही आओ, टेस्ट ड्राइव लो, देखो कैसी है ये नई बलेनो 2022 मॉडल। एंड टेस्ट ड्राइव लोगे ना, मैं तो कह रहा हूँ खरीद लोगे भाई, इतना प्यारे प्राइस में इतनी सही चीज मिल रही है। गाइस ये थी ब्रांड न्यू बलेनो 2022 मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये गाड़ी उससे ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, शोरूम पे आओ, टेस्ट ड्राइव लो, मेरा नाम लेके गाड़ी खरीदो, अच्छा डिस्काउंट और सर्विस मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में जो कि आएगा कल। तब तक के लिए खाओ पियो ऐश करो, मजे करो, मिलते हैं। और ये शोरूम विपुल मोटर्स जरूर आना, वजीरपुर पे है।